एग्जाम्पल्स करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे. अनवेन बाला शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹50,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स. अगर ये कुछ मेंशन नहीं होता और सिर्फ लिखा होता पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, तो कौन सा मेथड यूज करते? कैपिटल अकाउंट का. कैपिटल अकाउंट का ध्यान रखेंगे, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ तब होगी जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. तो हाँ जी सर, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, अब कर दो. ठीक है जी, कर देते हैं. तो केस वन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो पहले गुडविल होगी रेज. ये जो आपको वैल्यू दे रखे है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000. इज दिस द एग्जिस्टिंग गुडविल और द वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर एडजस्टमेंट पर्पज? करेक्ट, वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर एडजस्टमेंट पर्पज. तो पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनुज कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट. गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000. गुडविल विल बी रेज्ड इन द ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. तो 3:2 का मतलब 30,000 20,000. नरेशन, गुडविल रेज्ड इन द ओल्ड रेशियो. हो गई गुडविल रेज, उसी टाइम राइट ऑफ हो जाएगी. राइट ऑफ करने की एंट्री अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. गुडविल रेज हुई और पूरी गुडविल राइट ऑफ हो गई. न्यू रेशियो क्या है? इक्वल. तो ये न्यू रेशियो में, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ इन द न्यू रेशियो. गुडविल रिटर्न ऑफ इन द न्यू रेशियो. रेज होगी ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगी न्यू रेशियो में. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? बट सर अभी तो हमने राइट ऑफ करी थी ओल्ड रेशियो में. एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. एग्जिस्टिंग गुडविल बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. दैट विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो. ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, गुडविल बीइंग रेज्ड एंड रिटन ऑफ. रेज होगी ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगी न्यू रेशियो में. अब सेकेंड केस, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स. अब ध्यान से देखना, ज्यादा कॉमन और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बट गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये तो डायरेक्टली गिवन नहीं है. और कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी गिवन नहीं है. तो आपको पहले वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आप कुछ भी एक चीज कैलकुलेट कर लें, आप कैलकुलेट कर लें सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर. सैक्रिफाइस कर रहे हो तो पहले ज्यादा मिल रहा होगा, तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कौन है पार्टनर्स? अनु एंड बाला. ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2. ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2. न्यू रेशियो क्या है? 1:1. कोई डाउट? अब अगर सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं तो पहले हम अनु का निकाल देते हैं. ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 माइनस 1/2. तो 5 2 10, 2 3 6 माइनस 5 1/10. तो सैक्रिफाइस निकाले आपने, पॉजिटिव आई, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. बाला का भी निकालेंगे सैक्रिफाइस ही, 2/5
-1/2 सर, ऐसा हो सकता है कि दोनों सैक्रिफाइस करें? नहीं हो सकता, अगर दो ही पार्टनर है तो कोई बात नहीं, आप निकालो 2 2 4 -5 तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर सैक्रिफाइस नेगेटिव आ गया इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। क्यों निकाला सर हमने? बेटा गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000, अनुज शेयर ऑफ गुडविल, अनुज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू गेन 5,000। सेम ही आएगा ऑब्वियसली जब दोनों का ही 1/10 है। बालाज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 50,000 का 1/10, 5,000। गेन कौन कर रहा है? गेन बाला कर रही है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल अकाउंट, गुडविल कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर, स्पेसिफिकली लिख देंगे गिवन बाय बाला टू अनु। कोई भी डाउट? कितनी कॉम्पेंसेशन? 5,000। अब ध्यान से देखना, दोनों का नेट इंपैक्ट सेम होगा, दोनों मेथड्स का नेट इंपैक्ट सेम होगा। कैसे? जब गुडविल रेज हुई तो अन्नू को क्रेडिट करा 30, और जब गुडविल राइट ऑफ हुई तो अन्नू को डेबिट करा 25। तो जब अकाउंट क्लोज हुए होंगे तो नेट तो 5,000 क्रेडिट रहा। बाला क्रेडिट हुई 20, डेबिट हुई 25, 5,000 डेबिट। तो नेट इंपैक्ट दोनों में सेम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। इंपॉर्टेंट है, इजी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।